क्या गया है, हर जगह विलन का जिक्र हो रहा है। ऐसा कौन सा विलन है जो वापस आने वाला है? क्या ये कोई ऐसा विलन है जिसे हम बहुत प्यार कर चुके हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियो, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि भाई ये कौन सा विलन है जो वापसी कर रहा है। तो लो सुन लो, ये और कोई विलन नहीं बल्कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा विलन यानी के विलन्स का बाप खलनायक है। जी हाँ, खलनायक फिल्म इंडस्ट्री में वापस आने वाला है। ये वही खलनायक है दोस्तों जो साल 1993 में आया था। इसका मतलब क्या उस खलनायक की वापसी हो रही है? तो दोस्तों हाँ, ये खबर सच है, वही खलनायक वापस आने वाला है। नायक नहीं, खलनायक हमें हमारे कानों में वापस सुनाई देने वाला है। और दोस्तों इतना ही नहीं, फिल्म का सबसे पसंदीदा किरदार बल्लू भी फिल्म में वापस आने वाला है। और रुकिए रुकिए, सिर्फ बल्लू ही नहीं, फिल्म के पुराने सारे कैरेक्टर यानी के ऑफिसर गंगा और इंस्पेक्टर राम भी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसका मतलब 28 साल बाद वही तीनों किरदार हमें फिर से देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई मानो या ना मानो, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है, क्योंकि एक 28 साल पुरानी फिल्म का सीक्वल जरा कम आता है। इतनी पुरानी फिल्में पर्दे पर जरा कम वापस आती हैं। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता चल चुका है कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो आइए इस फिल्म की बात करते हैं। अब भाई जहाँ हमें पता लगा है कि फिल्म के पिछले तीनों कैरेक्टर इस फिल्म में वापस नजर आने वाले हैं, तो आखिर 28 साल बाद मेकर्स इस फिल्म को लाएंगे तो उसमें क्या ट्विस्ट लाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अगर किसी फिल्म को 28 साल बाद लाया जा रहा है तो अब जो दौर है ना वो बदल चुका है। सिर्फ दौर ही नहीं, ऑडियंस बदल गई, ऑडियंस का माइंडसेट बदल गया। तो एक पुरानी फिल्म को एक नई सदी में लाना, वो भी उन पुराने एक्टर्स के साथ, तो ऐसे में मेकर्स को पुरानी फिल्म का एसेंस तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ फिल्म में एक नयापन भी लाना पड़ेगा। अब फिल्म की कहानी में मेकर्स ऐसा क्या करेंगे कि ये दोनों चीजें वो मेंटेन करके चल पाए? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सोचने से पहले ये बात मेकर्स ने सोच ली है। मेकर्स ने बताया एक इंटरव्यू में कि वो फिल्म खलनायक की कहानी को ही आगे जोड़ते हुए फिल्म खलनायक 2 में दिखाएंगे, यानी कि फिल्म का पुराना एसेंस बरकरार रहेगा। लेकिन अब बात करें अगर फिल्म में होने वाले नएपन की, तो वो कैसे आएगा? वो भी मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में नएपन का जुगाड़ कर लिया है भाई मेकर्स ने। मेकर्स ने इस फिल्म में सेलेक्ट किया है एक न्यू एक्टर को। जी हाँ, इस फिल्म में होने वाली है एक नए एक्टर की एंट्री, लेकिन फिल्म के तीनों लीड कैरेक्टर्स फाइनलाइज्ड हैं। तो नए कैरेक्टर का फिल्म में क्या काम? तो दोस्तों मैं बता दूं, अब जहां फिल्म में आगे की कहानी दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब फिल्म में ऑफिसर गंगा और इंस्पेक्टर राम की शादीशुदा जिंदगी दिखाई जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्लू को दिखाया जाएगा दो वर्जन्स में, यानी कि एक होगा ओल्डर बल्लू और वहीं दूसरा होगा यंगर बल्लू। अब भाई जाहिर सी बात है, फिल्म 28 साल बाद आ रही है तो बल्लू उतनी ही उम्र का तो नहीं रहेगा ना, बल्लू की उम्र तो बढ़ेगी। तो हाँ, जो ओल्डर बल्लू है वो होंगे संजय दत्त, लेकिन जो नया बल्लू है वो होंगे टाइगर श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें यंगर बल्लू बने नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। तो इसका मतलब तीन पुराने एक्टर, एक नया एक्टर और फिर इनका मिलाप, तो भाई ये कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों इस सब के पीछे एक और बात थी, शायद उस पर आपने गौर नहीं किया होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं किस बात की बात कर रही हूँ। ऑफ स्क्रीन बाप बेटे यानी कि असल जिंदगी में बाप बेटे फिल्म में राइवल्स नजर आने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ की। अब टाइगर श्रॉफ फिल्म में यंग बल्लू बने हैं, तो इस बात से साफ साबित हो चुका है कि उनका अपने पिता जैकी श्रॉफ से फिल्म में कोई नाता कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब फिल्म में दोनों बने हैं राइवल्स, यानी कि फिल्म के मेकर्स ने तो जैसे ऑडियंस को सरप्राइज करने की ठान ली। फिल्म की कहानी आ रही है, फिल्म के पुराने किरदार आ रहे हैं, फिल्म में नया एक्टर आ रहा है, लेकिन ये जो नया एक्टर आ रहा है तो क्या इसके लिए कोई नई एक्ट्रेस भी आएगी? तो मैं बता दूं दोस्तों, हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के लिए एक नई एक्ट्रेस भी आएगी, लेकिन वो एक्ट्रेस आखिर कौन है? तो दोस्तों कभी तो कृति सनन का नाम सामने आ रहा है, कभी नाम आ रहा है दिशा पाटनी का,
तो आखिर इन दोनों में से मेकर्स किसको सेलेक्ट करने वाले हैं, किसको फाइनलाइज किया जाएगा एज टाइगर्स लीड इन द करंट फिल्म? तो दोस्तों ये तो अभी हम सभी को फिल्म देखने के बाद पता लगेगा, और मुझे लगता है जब ये फिल्म आएगी ना तो लोग भागते हुए फिल्म देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल्स हाउसफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये बात जरा एक बार जाके अपने घर में सबसे शेयर कीजिए और फिर देखिएगा एक्साइटमेंट। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।